हेलो हाय। ये अंकित फिर फटे हुए कपड़े पहन के आ गया। देखो आ गया मेरा गरीब बॉयफ्रेंड। इफ्को ना अपने ऊपर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, गरीब का गरीब ही रहेगा। माना इफ के माँ बाप गरीब हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ये तो पढ़ा लिखा है ना, ये तो अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, इफ्को तो गरीबी में ही जीना है। वाह नामिका, तुमने तो बिल्कुल पते की बात कही है। अनामिका आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये सब क्या कर रही हो? अरे गरीब के कीड़े में ये सब क्यों ना बोलूं? कभी देखा है तूने खुद को मेरे साथ चलते हुए? ऐसा लगता है कि मालकिन अपने नौकर के साथ घूम रही है। तेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा है जिसमें छेद ना हो? मुझे तो ऐसा लगता है ना तू सड़क के फेंके हुए कपड़े पहनता है। अरे अनामिका जो मेरे घर में नौकर है ना उससे लाख गुना बंटन के रहता है, और ये अंकित तो उसके ना कुत्ता लगता है, कुत्ता। देख लिया, जैसे मजाक उड़ाते हैं ये तेरा। ऐसे बहुत सारे लोग तेरा मजाक उड़ाते जब तू मेरे साथ होता है। मुझे तो तुझे अपने बॉयफ्रेंड कहने में शर्म आती है। अरे जब भी मैं तुझे किसी से मिलवाती हूँ ना अपने दोस्तों से, तो वो फिर पूछते हैं क्या ये आपका नौकर है, फिर मैं उनको बताती हूँ नहीं 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 ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, बस इसका हुलिया नौकर जैसा, क्योंकि गरीब है ना। अनामिका मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? नहीं नहीं अंकित, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तुम्हारे माँ बाप से हुई जिसने तुम्हारी जैसी नालायक औलाद को पैदा किया, और उससे बड़ी गलती मैंने की जो तुझ जैसी नालायक औलाद से मैंने प्यार किया, और उस वक्त पता नहीं मेरी आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी हुई थी जो मैं तेरा नालायकपन और गरीबी देख नहीं पाई। तूने कभी सोचा है तेरी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ता है? तुझ पे लानत है अंकित। अनामिका तुम्हें मुझसे प्यार है या मेरे पहनावे से या मेरे रहन सहन से? अंकित प्यार तो मैं तुझसे ही करती हूँ, लेकिन तू मुझे एक बात बता कि क्या होगा हमारा फ्यूचर अगर मैं तुझे अपने घर वालों से मिलवाऊंगी, तो मैंने क्या बताऊँ कि तू कुछ भी नहीं कमाता है, तू बहुत गरीब घर से और तू अपनी लाइफ के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है। अच्छा एक बात बता, अगर तेरी कोई बहन होती तो उसकी शादी तू अच्छे लड़के से कराता ना, जो अच्छे पैसे कमा रहा होता, जो तेरी बहन की सारी ख्वाहिशें पूरी करता। मेरे घर वाले भी यही सोचते हैं अंकित, मैं तुझे कैसे मिलवाऊंगी उनसे? तुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने फ्यूचर के लिए ताकि हमारी शादी हो पाए। यार अनामिका अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मैं पैसे कमा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। अरे अंकित क्यों ना लो मैं टेंशन, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड या होने वाले हस्बैंड से यही चाहती है ना कि उसकी सारी डिमांड पूरी करे, उसे घुमाए फिराए, उसके ऊपर पैसे खर्च करे। और अंकित गाड़ी तो छोड़, तेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि तू मुझे ऑटो में बिठा के कहीं घुमा दे। अनामिका प्लीज तुम मेरी इतनी भी बेइज्जती मत करो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अगर तुम ही मेरी इज्जत नहीं करोगी तो और कौन करेगा? अभी तो हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं पैसे कमा लूंगा। अरे अनामिका तू हम दोनों को एक बात बता, तुम दोनों को रिलेशन में आए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं और ये निकम्मा आज भी वैसा वैसा गरीब ही है, इसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है। कॉलेज के टाइम में दूसरों से मांगे हुए कपड़े पहनता था और आज भी इसके पास खुद के लिए कपड़े लेने के पैसे नहीं है। ये सूरज ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इस गरीब भिखारी के क्या कर रही है, तू अलग क्यों नहीं आती इससे, ब्रेकअप कर ले इससे, ब्रेकअप। अब मैं तुम दोनों को क्या ही बताऊं, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं इससे ब्रेकअप कर लूँ ये मुझे हमेशा अपनी इमोशनल कहानी बताकर फंसा लेता है, लेकिन आज मैं इसकी एक भी नहीं सुनूंगी, आज फिर तेरा मेरा ब्रेकअप। अरे अनामिका तुम ऐसा मत करो, अगर तुम मेरे से ब्रेकअप कर लोगी तो मैं कैसे रहूंगा? देख अंकित तेरा ना बहुत हो गया है, पिछले 3 सालों से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, हमेशा कहता है अनामिका मैं पैसे कमा लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोच लूंगा, लेकिन तू सिर्फ मेरे को बेवकूफ बनाता है। तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आज फिर तेरा मेरा जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, अपनी ये मनु शक्ल मुझे दिखाई हो मत। अबे ओए यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, भूल जाओ उसे, वो नहीं आएगी तेरे पास, चल ना चल निकल। माँ आप यहाँ बैठे हुए हो? अरे क्या हुआ और ये शर्ट कैसे फट गई तेरी? वो सब छोड़ो, आपको उससे कोई लेने देना नहीं है, मुझे पैसे दो, मुझे कपड़े खरीदने। अच्छा तुझे नए कपड़े लेने हैं, चल ले। क्या 100 रुपए? इस 100 रुपए से ना एक अच्छा भी नहीं आएगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं नए कपड़े लूँ तो मुझे 2-3 हजार रुपए दो। बेटा मैं तुझे इतने पैसे कहाँ से दूँ, मैं खुद महीने के 5 हजार कमाती हूँ, तो खुद सोच उसमें मुझे घर का किराया भी निकालना होता है, घर का खर्चा भी निकालना होता है, और घर के और भी बहुत खर्चे होते हैं, और तेरे लिए भी तो इतनी चीज़ें लानी होती है ना मुझे, तो वो सब कहाँ से लाऊंगी अगर मैं तुझे 2-3 हजार कपड़े के दे दूंगी तो? अरे अगर 5 हजार में से 2 हजार रुपये मुझे दे दोगी तो बाकी पैसों से घर नहीं चल पाएगा क्या? वाह बेटा वाह, तूने आज क्या अकल की बात करी है, 2 हजार का राशन तो अकेले ठूस जाता है। और तू मुझे एक बात बता, मैं तेरी जेब खर्चा क्यों दूं? मैंने तुझे किस दिन के लिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया था कि तू अपना जेब खर्चा भी मुझसे मांगेगा, बल्कि तुझे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए और तू उल्टा मुझसे ही पैसे मांगता है। मैंने तुमसे पैसे देने को बोला, ये बातचीत सुनाने को नहीं, फालतू की बात छोड़ो मुझे पैसे दो। क्या कहा तूने, मैं ये सब फालतू की बकवास कर रही हूँ, नलायक ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूँ ताकि तेरे मोटे से दिमाग में कुछ घुस सके, तू सुधर जाए, तेरे में थोड़ी अक्कल आए, क्योंकि तू मुझे इतना
परेशान करता है ना। अच्छा अब तुम सारा इल्जाम मेरे पे डाल दो, सारी गलती मेरी हो गई। अरे आज पापा जिंदा होते ना तो मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा अगर तेरा बाप होता तो वो क्या कर लेता? वो तो खुद सारा दिन शराब के नशे में डूबा रहता था और शराब पीने के लिए मुझसे ही पैसे मांगता था, और अगर मैं मना कर देती थी तो मुझे मारता था। वो तो चला गया पर तुझे मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए छोड़ गया। मुझे तो समझ में नहीं आता तेरा मैं क्या करूं। अरे तुम छोड़ो, तुम तो शुरू से ही गरीब थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता भगवान ने मुझे ऐसे घर में क्यों पैदा कर दिया जो इतना गरीब है। पता नहीं मुझे इतनी फूटी किस्मत क्यों मिली। तुम्हें पता है बाहर लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, मुझे गरीब भिकमंगा बोलते हैं तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं तो शुरू से अनपढ़ गवार गरीब थी, तुझे मैंने इसलिए पढ़ाया था कि तू गरीब ना रहे, पर मुझे नहीं पता था कि तू पढ़ लिख के भी कुछ नहीं करेगा। तुझे तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जो आदत पड़ चुकी है। अगर तुझे मैंने पढ़ाया था तो तू भी मुझे कुछ करके दिखाता ना। तुझे पता है इन चंद पैसों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं दिन रात लोगों के घर पे एक करती हूँ तो मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं। तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को दुख देते हुए? तुझे तो अपनी माँ का साथ बनना चाहिए था, पर तू तो निकम्मा निकला। अपने नल्लेपन से निकल के देख बाहर दुनिया में कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। किसने बोला मुफ्त में कुछ नहीं मिलता? मुझे मिलता है मुफ्त की गालियाँ तुम्हारी वजह से। बोलते हैं तेरी माँ तो दूसरों के घर में काम करती है, दूसरों के जूठे बर्तन धोती है, और इसका बाप तो पैदा होने से पहले ही मर गया था। लोग बोलते हैं कि इसको पता भी है इसका बाप कौन है या फिर। बहुत जबान लड़ा ली तूने। मुझे नहीं पता था कि तेरे दिमाग में ये बकवास की बातें घुसी हुई है। मैंने सोचा था तू सुधर जाएगा, पर तू सुधरने वालों में से नहीं है। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, निकल जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ यहाँ से। इसे भी यहाँ रह के मुझे मिलेगा भी क्या? अनामिका अनामिका प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका, बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा, प्लीज आई रियली लव यू। देख अंकित, ये लास्ट चांस का ख्याल अपने दिमाग से तू निकाल दे, और मैं तुझे एक बात बता दूं कि मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया है कि या तो मैं अपनी पसंद से शादी कर लूं, वरना 2 महीने के अंदर वो अपने हिसाब से मेरी शादी करा देंगे। अब 2 महीने के अंदर तू अमीर तो बन नहीं सकता है, तो ये माफ़ी वाफी करने का कोई फायदा है नहीं, और हर जगह मेरी नज़रों के सामने से वरना मुझे कोई देख लेगा तो मेरा कितना मजाक उड़ाएगा। जा यार। कहाँ खोया हुआ था? अभी तेरा एक्सीडेंट हो जाता, तुझे पता तेरे बगैर मेरा क्या होता? क्या ही फर्क पड़ता है आपको? आप तो अपने बेटे की कोई भी ख्वाहिश पूरी ही नहीं कर सकते हो। आप तो मेरे से प्यार ही नहीं करते, तो फिर क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते मुझे, वैसे भी जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ मैं। इससे बढ़िया तो मर जाऊंगा तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा। देख बेटा, मुझे सब पता है तू ये किसके लिए कर रहा है। मैंने तेरी और उस लड़की की बात सारी सुन ली थी। उस लड़की के पीछे तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने चला, तू अपने आप को मारने चला था। तूने एक बार भी नहीं सोचा था तेरे बगैर तेरी माँ का क्या होगा, तेरी माँ कैसे जिएगी। देख बेटा, अपनी आंखें खोल, ये देख कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। ऊपर वाला सिर्फ एक ही जिंदगी देता है और तू उसे भी बर्बाद कर रहा है। देख बेटा, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, पर तूने तो बहुत अच्छी खासी पढ़ाई करी हुई है ना, फिर तू ऐसे क्यों कर रहा है? तू क्यों नहीं कुछ काम करता? और तू मुझे हमेशा कहता था ना कि तुझे अपना बिजनेस करना है। माँ, बिजनेस करने के लिए ना जेब में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि हमारे पास नहीं है, तो आप ही बताओ मैं कैसे बिजनेस चालू करूँगा। देख बेटा, जिन्हें बिजनेस करना होता ना वो छोटे मोटे ठेले से अपनी शुरुआत करते हैं और बाद में एक बड़ा बिजनेस बना लेते हैं। माँ, अगर मैं छोटा ठेला लगाऊंगा तो लोग न जाने क्या क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। देख बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तेरी माँ भी तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछे लगा के पैसे कमाती है, और मुझे तो गर्व है अपने ऊपर कि मैं अपनी मेहनत का पैसा कमाती हूँ। और बेटा, मैं तो ये कभी भी नहीं सोचती कि कौन मेरा मजाक उड़ा और कौन नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। और एक बात बता बेटा मुझे, जब हम मुसीबत में थे तो कोई हमारी मदद करने आता था क्या? कभी किसी ने पूछा कि तुमने आज खाना खाया या नहीं खाया, तो हम किसी के बारे में क्यों सोचे? तो बेटा, तो शर्मा मत, तू मन लगा के अपना काम चालू कर। लेकिन माँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? मैंने उस लड़की से बहुत प्यार किया था और उसके बिना मेरा कहीं भी दिल नहीं लगता। बेटा, अगर तुम मेहनत करेगा तो तुम बहुत ऊंचे मुकाम हासिल कर लेगा, और उसको हासिल करने के बाद तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। लड़कियां तो तेरे पास भागी भागी आएंगी। सिर्फ लड़की से प्यार करना जिंदगी नहीं है, असली जिंदगी तो वो है कि अपने पैरों पे खड़े होना। बेटा, मैं तुझे समझा रही हूँ, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तू समझ जा। माँ, मेरे को माफ कर दो, जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत दुख दर्द दिया और न जाने आपको क्या क्या बोला। मुझे लगता है कि मुझे उसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। और माँ, मैं आपकी बात समझ गया, अब मैं मेहनत करूँगा और अपना काम करूँगा, और आप देखना हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी।
और मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। चल तू घर चल, तू बहुत भूखा होगा ना, तूने कुछ खाया नहीं होगा, चल। मेरी माँ के समझाने के बाद मैं लोगों के घर में काम करता और पैसे कमाता और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता। माँ ये बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, मेरा भी ना बहुत मन है कि मैं ऐसी बिल्डिंग में ना एक फ्लैट खरीदूँ। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी इतने, पर मैं बैंक से लोन वगैरह लेके कर सकती हूँ। तू पता लगा ना इस बिल्डिंग के बारे में। टेंशन ना ले, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। हाँ चल। हाँ मयंक बोल। अनामिका, जो सोसाइटी तेको पसंद थी ना, उसके बिल्डर के सेक्रेटरी से मेरी बात हो गई है। कल शाम को 7 बजे उससे मिलने जाना है, तो रेडी रहियो तू, ठीक है? ठीक है, मैं कल आ जाती हूँ मिलने के लिए। ठीक है, मिलते हैं। ओके। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारी बात हुई थी सर से फ्लैट के रिगार्डिंग। अच्छा सर, अभी अंदर ही है, आप लोग बैठो, मैं उनको बुलाता हूँ। अबे तू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे पोछा मारता होगा यहाँ पे। अबे जा जाके बिल्डर को बुला के लेकर आ, हमें झोपड़ी नहीं खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, वो भी करोड़ों का। जा। मैं ही बिल्डर हूँ और ये सोसाइटी मैंने ही बनवाई है। पहले तो मैं भी शौक हो गया तुम दोनों को देख के कि तुम दोनों यहाँ पे कैसे आए हो, लेकिन तुम जानते नहीं थे कि यहाँ का बिल्डर मैं हूँ, वरना तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते। और मैंने एक चीज़ देखी है, तुम जैसे लोग ना अक्सर मेरे जैसे गरीबों की बहुत बेइज्जती करते हो, और उसके बाद जब हम जैसे गरीब लोग एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं तो फिर तुम सॉरी सॉरी बोलते घूमते हो, क्योंकि हमसे तुम्हें काम जो निकलवाना है। लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, चाहे तुम मेरे पैर क्यों ना पकड़ लो। क्योंकि वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता जिस दिन तुमने मेरे कपड़े फाड़े थे और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी हंसी उड़ाई थी। और तो और, जब मैं वहाँ से गया तो न जाने मुझे क्या क्या सुनने को मिला, तुम मेरे पीठ पीछे कितनी मेरी बुराइयाँ करते थे। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैंने एक दिन भी तुम्हारी बुराई नहीं करी। लेकिन हाँ, वो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और अब मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम दोनों इस सोसाइटी में फ्लैट ना खरीद पाओ, क्योंकि ये सोसाइटी मैंने बनवाई है। और मैं देखता हूँ कि तुम दोनों इस सोसाइटी में फ्लैट कैसे लेते हो। तुम दोनों के पास खुद का कुछ तो है नहीं, अपने बाप के पैसे पे उछलते रहते हो। भले ही तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन मैं तुम्हें इस सोसाइटी में फ्लैट नहीं लेने दूंगा। और बड़ा मन था ना तुम्हारा इस सोसाइटी में फ्लैट लेने का, और मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि जब तुमने मेरी ये सोसाइटी देखी तो तुम्हें कितनी अच्छी लगी। मैं ये चाहता हूँ इस सोसाइटी में जो भी रहे वो एक अच्छा इंसान हो, तुम्हारे जैसा घमंडी नहीं जो सिर्फ पैसों पे मरती हो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, और बेइज्जती करवानी है क्या अपनी? निकल यहाँ से।